बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 महीने हो चुके हैं। 14 जून के दिन सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत के निधन के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर जमकर बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर फैंस अपने गुस्से को जमकर जाहिर कर रहे हैं और बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज पर निशाना भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान का। सलमान खान लगातार विवादों में घिरे हुए हैं, जहां एक ओर सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट की मांग की जा रही है, तो वहीं सलमान खान काला हिरण केस को लेकर भी काफी विवादों में घिरे हुए हैं। इस बीच सलमान खान काफी चर्चा में बने हुए हैं। टीवी टाउन की दुनिया का सबसे बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 14 को लेकर बिग बॉस सीजन 14 का बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे हैं। वहीं हर दिन इस शो को लेकर कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं बिग बॉस सीजन 14 को लेकर हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक सामने आया है कि इस बार बिग बॉस हाउस में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इस बात का खुलासा किया है बिग बॉस सीजन 14 के एक फैन पेज ने। फैन पेज के मुताबिक सामने आया है कि इस बार सलमान खान के शो में किसी तरह का कोई भी फिजिकल टास्क नहीं होगा। इस बार घर में टास्क की गहमा गहमी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं इसके अलावा साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि इस बार घर में कोई भी कंटेस्टेंट एक दूसरे का झूठा खाना नहीं खाएगा और ना ही घर में एक दूसरे को टच करने की परमिशन होगी। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर जमकर वायरल हो रही है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि शो के कंटेस्टेंट की जब घर में एंट्री होगी तब उससे पहले कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। और इस बीच बिग बॉस के घर में आप सभी को कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। इस बार घर में मॉल, रेस्टोरेंट, कॉर्नर और मिनी थिएटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वेल दोस्तों, इस तरीके से सलमान खान के शो में आप सभी को कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जहां एक ओर फैंस सलमान को लेकर बायकॉट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 14 का। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।